दिल्लीचो राकेश शर्मान देशांतल्या लोकांक पर्यावरण सांबाळपाचो संदेश दिवपा खातीर 5 नोव्हेंबराक कश्मीरच्यान सायकल घेवन भायर सरला. कश्मीर ते कन्याकुमारी असो ताचो प्रवास आसा. आतां मेरेन तांणी 12 राज्यांचो प्रवास सायकलीन केला. 7 डिसेंबराक तो गोंयांत पावला. काठमांडू हांगासर आसतना थंय रावपा खातीर आसरो घेवपी हेर देशांचे लोक पर्यावरणाचेर लोकांक जागृत करतात. तांची स्फूर्ती घेवन म्हाका दिसलें की आमच्या देशाकय गरज आसा म्हूण ही मोहीम सुरवात केल्ल्याची माहिती राकेश शर्मान गोंयांत पावतकच गोंयांतल्या पत्रकारांक दिल्या. मैं काठमांडू में था तो मैं एक बैकपैकर्स में रुका हुआ था लाइक ए डॉर्मेट्री. तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं. तो वहाँ पे एक लड़का 1 साल की अनाथ बच्चे की एजुकेशन गोद लेने आया हुआ था स्पेन का, उसकी उम्र 19 साल थी. दूसरा वहाँ पे एक जर्मन का लड़का वहाँ पे आया हुआ था एनवायरमेंट के लिए काम करने. एक 55 ईयर्स की लेडी इंग्लैंड की, अप्रैल नाम है उनका, वो वहाँ पे डॉग्स के लिए काम करने आई हुई थी. तो मैंने कहा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इनके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग ऐसे देशों में जाके काम कर रहे हैं. तो मैंने कहा मुझे, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं. तो मैंने फिर वहाँ से सोचा कि मुझे लोगों से मिलना चाहिए. तो सबसे अच्छा वे लगा मुझे साइकिल. तो वहाँ से फिर मैंने ये साइकिल काठमांडू से ही परचेज़ करी. वहाँ की एक कंपनी ने मुझे पार्शली स्पॉन्सर भी किया है साइकिल, क्योंकि मैं इतनी कॉस्टली साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो उन्होंने पार्शली स्पॉन्सर किया और वहाँ से मैं काठमांडू से चला. तो वो 1500 किलोमीटर लगभग मैंने राइड किया, उसमें 3000 लोगों से मिला. तो वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मुझे इंडिया के ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए. अलग अलग वेदर, अलग अलग सोच के लोग. प्रॉब्लम कुछ फेस किया जब इंडिया के? प्रॉब्लम एक फेस, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपको लोग एक नेगेटिव रिस्पांस देते हैं या आपको बोलते हैं कि ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, जाओ ये बच्चे पालने की उम्र है, पैसे कमाओ और अपने घर को संभालो, ये सब चीज़ें ये गवर्नमेंट का काम है या इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्यों कर रहे हो, तो बड़ा डीमोटिवेशन होता है. पर तभी, पर अच्छी बात क्या है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है. पर तभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपने काम धंधे छोड़ के मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हम ये करते पा रहे, आप कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है. मैंने ये अपनी जर्नी 3 तारीख को घर से निकला था. 5 तारीख को मैंने ये कश्मीर से शुरू किया, उधमपुर और कटरा के बीच से. लाल चौक तक मैं पहुंच नहीं पाया था सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वहाँ कुछ माहौल ठीक नहीं था. तो वहाँ से मैंने 5 नवंबर को शुरू किया. 1 लाख लोगों से मिलने का मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ और उनसे इस बारे में बात कर सकूँ, काफ़ी कुछ सीख सकूँ और उनको इस बारे में उनको सजेशन दे सकूँ अगर लगे तो. तो वो मिलते हुए 12 स्टेट कवर करते हुए मैंने कन्याकुमारी पहुंचना था. तो मैं स्ट्रेट ना जाके जिगजैग करते हुए, मतलब डी रूट होते हुए जा रहा हूँ कन्याकुमारी. दिन में कितने किलोमीटर आप कवर करते हो? दिन में कई ऐसे जगह आई जहाँ पे 200 प्लस भी चली है और कई जगह 150 भी चली है. 150 से 200 के बीच की एक एवरेज रहती है. पर जब कोई बहुत चढ़ान आती है या घाट आते हैं या रोड डैमेज होता है या कई बार आप फिट नहीं होते हो तब आपकी 80-100 चलती है. पर अदरवाइज कोशिश ये रहती है कि 150 तक चलती. मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया में लोगों को साइकिल के बारे में, जो साइकिल कल्चर ख़त्म होता जा रहा है उसके लिए अवेयर करना और एनवायरनमेंट के लिए बात करना. क्योंकि एनवायरनमेंट का नाम आते ही इंडिया में सबसे पहले लोगों को एक ही चीज़ आती है कि पेड़ लगाएंगे. कोई आदमी कभी पेड़ नहीं लगा सकता, आप एक पौधा लगा सकते हो और वो उसको पेड़ बनने में 1 से 2 साल लगते हैं. उस बीच में कौन उसकी चौकीदारी करेगा रोज़ जा करके? तो वो पौधे को पेड़ समझते. तो मेरे को साइकिल मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि किसी के पास स्पेशली टाइम नहीं है जिम जाने का, तो साइकिल चलाने से उसके घर के छोटे मोटे काम निपट जाएंगे. वो साइकिल चलाएगा, फिट रहेगा, उसको स्पेशली जिम नहीं जाना पड़ेगा. उस बीच में जो पेट्रोल नहीं यूज़ होगा उसका पैसा बचेगा, चाहे 2 रुपये बचे 10 रुपये बचे, और वो पेट्रोल ना यूज़ होने से पॉल्यूशन भी बचेगा. तो इसलिए मैंने कहा कि उनको साइकिल, अभी साइकिल एक शो ऑफ बन के रह गया, महंगी साइकिल लेकर के चलाना ही साइकिल रह गया, आप काम नहीं कर सकते अपने साइकिल से. देशान आमी उदरगतीच्या नांवान व्हडा प्रमाणान पर्यावरण नष्ट केला. हांव हे भोंवडेचेर आसतना म्हाकाय ताचो अणभव आयलो. सायकलीन प्रवास करतना दनपारच्या वेळार मातसो सावळेक रावून सुशेग घेतलो जाल्यार एक झाड मेळपाक मुश्किल जाताली, अशें राकेश शर्मान सांगले. हायवे पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मिला है वो मिला है, एक तो जो बसेस होती है रोडवेज की, ट्रक ड्राइवर से इतनी प्रॉब्लम नहीं रही. ट्रक ड्राइवर फिर भी काफ़ी तरीके से चलाते हैं, इवन वो लोग फ़ोन पे बात कर, मैंने नोटिस किया वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं फिर भी बहुत तरीके से चला रहे हैं. पर सबसे रैश ड्राइविंग जो होती है वो
जो रोडवेज की बसें होती है हर स्टेट की, उनकी सबसे रिस्क रहा। दूसरा, जैसे ही सनसेट होने वाला होता है तो जो लोग यंगस्टर होते हैं, कोई भी लोग, वो गाड़ी में जैसे वो ड्रिंक कर लेते हैं तो उस बीच में वो रॉन्ग साइड आते हैं और हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं। और एक्चुअली में मैंने जब उनसे बात करी तो उनको हाई बीम लो बीम का मालूम भी नहीं, तो वो हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि आप साइड हो, रॉन्ग साइड आते हुए। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है बहुत। हाईवे पे सबसे ज़्यादा जो मैंने जानवरों को मरे हुए देखा, तो मुझे लगा कि हमने डेवलपमेंट तो किया, हाईवे हमारे लिए ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाईवे को ख़त्म कर दो, पर वो हाईवे की वजह से कितनी चीज़ें डैमेज हो रही है। कई जगह मैंने मतलब हाईवे के किनारे पेड़ कटते हुए देखे, कुछ जगह मैंने देखा हाईवे चौड़े हो रहे हैं तो पेड़ काटे गए, पर उन पेड़ों को अलग जगह पर नहीं लगाया गया। हो सकता है गवर्नमेंट की आगे की प्लानिंग हो, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। कई ऐसे डिस्टेंस आए कि जहाँ पे मैं एक पेड़ की छाया के लिए तरस जाता था कि कहीं थोड़ी सी छांव मिल जाए तो मैं रुक सकूँ, तो वहाँ पेड़ की छांव तक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक पेड़ की छांव ढूंढनी पड़ रही है हाईवे पे। हाँ जी, रात को मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, होटल, जो होटल में जनरली मैं खुद नहीं लेता, वो लोग अरेंज कर देते हैं। मेरी कोशिश रहती है सेफ सुरक्षित जगह मिल जाए, तो हाईवे के किनारे भी कई बार जगह मिली है, मैं वहाँ पर भी सोया हूँ। किसी ने जैसे अपना एक पलंग चारपाई प्रोवाइड कर दी, और कोशिश अभी तक मैं 9 गुरुद्वारे में रुक चुका हूँ, 3-4 टेंपल में रुका हूँ, आश्रम में रुका हूँ, मठों में रुका हूँ, धर्मशालाओं में रुका हूँ। अगला स्टॉप कहाँ पर होगा आपका? अभी मैं यहाँ से मडगांव से फिर आगे का जैसे जैसे रूट बनता चला जाएगा। अभी मैंने जो रूट बनाया था वो दिल्ली तक का बनाया था, उसके बाद मैंने रूट बनाना बंद कर दिया क्योंकि मैं लोकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गया। क्योंकि लोकल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ की, क्योंकि गूगल आपको डिस्टेंस बताएगा, गूगल आपको ये नहीं बताएगा रोड टूटा हुआ है, और ना गूगल ये बताएगा कि वो रोड की हाइट कितनी है और वो नहीं। ये लोकल लोग ज़्यादा बेटर बताते हैं।